आगंतुक है, सराहना करते हैं। तब कहा गया था कि भाजपा वाले ही ये अड़चने लगा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। जो आरजेडी है वो कभी नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो। जो दबे कुचले शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं, आप बता दीजिए उस पार्टी के अंदर में कोई पद हो, उप मुख्यमंत्री हो। मान लीजिए हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है इसके खिलाफ, जाति जनगणना के खिलाफ, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? वो इस याचिका के साथ होगी या फिर चाहेगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला दे जो हाईकोर्ट दिया है? बिहार हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। इस तरह से एक सियासी माहौल में भी गर्माहट देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ जदयू और महागठबंधन अपना पीठ थपथपा रहा है, वहीं बीजेपी अब कह रही है कि उन्होंने जातीय जनगणना का हमेशा से समर्थन किया है। ये सच है कि नीतीश कुमार ने जब यह फैसला लिया था तब बीजेपी उनके साथ थी, लेकिन बाद में बीजेपी में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिख रही थी जब वो महागठबंधन में चले गए थे। अभी हमारे साथ बीजेपी प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है, उनसे जानेंगे कि फिलहाल बीजेपी का क्या स्टैंड जातीय जनगणना पर। सर, हाईकोर्ट का फैसला आया है क्या? स्वागत योग्य है, सराहना करते हैं। हम लोग तो शुरू से जातीय गणना कराने के पक्ष में थे, चाहे विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने का हो या प्रधानमंत्री से मिलने का हो सर्वदलीय समिति के रूप में, सब में भारतीय जनता पार्टी रही है। बीच में जदयू ने आरोप लगाया था जब सरकार बदल गई थी, वो नीतीश तेजस्वी जी के साथ चले गए थे, तब कहा गया था कि भाजपा वाले ही ये अड़चने लगा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो। सरकार जहां गई है जिनके साथ, तो उसके कारण सरकार की मंशा बदल गई। जो आरजेडी है वो कभी नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो। जो दबे कुचले शोषित वंचित समुदाय के लोग हैं, सही आंकड़ा उनका सामने आ सके। अगर उनका आंकड़ा आ जाएगा तो वो अपने हक की मांग करेंगे और सामाजिक आर्थिक तौर पे के साथ साथ राजनीतिक तौर पे भी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। लेकिन उनको जो ऐसे लगता है कि आरजेडी ने तो अब तक केवल एक जाति आधारित राजनीति की है, M22 समीकरण कभी कहता है, और उसमें भी अपने परिवार को स्थापित करना। आप बता दीजिए उस पार्टी के अंदर में कोई पद हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई बनना हो, तो एक ही परिवार में। उनको लगता था कि हमने जो ऐसे लोगों को केवल सपने दिखा कर करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा, उनकी ताकत को हम अपनी ताकत बना करके ढाल के तार पे जो ऐसे हम लेते रहे, प्रयोग करते रहे। तो अब जब उनकी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी, उनको संख्या की जानकारी हो जाएगी, तो हक अपने हक मांगने लगेंगे, तो हक जो है से हमारा छिनाएगा, हमारे परिवार के लोग वंचित होंगे। इसलिए उसकी मंशा जिनके साथ हैं उनको जातीय गणना नहीं कराना, और नीतीश कुमार की सरकार की मजबूरी हो गई कि वहां सरकार चलाना है तो उनके हाँ में हाँ मिलाना, उनके अनुरूप काम करना, ये सरकार की मंशा भी नहीं थी। अब हाईकोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं कि हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो अब सरकार की मजबूरी हो गई है गणना कराना और सही आंकड़े को सामने लाना। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर मान लीजिए हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है इसके खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ, तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? वो इस याचिका के साथ होगी या फिर चाहेगी कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला दे जो हाईकोर्ट दिया? मैंने तो कहा कि हम लोग तो सब दिन पक्षधर थे, हर समय चाहते थे कि हो सही आंकड़े सामने आने चाहिए, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और जो लोग भी इस चीज को रोकना चाहते थे, जो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के खिलाफ, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी नकारेगी, हाईकोर्ट की फैसले को बहाल रखेगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ भाजपा की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे जातीय जनगणना पर, आपने सुना। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो पेज को लाइक कीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।